अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चरगा। चरगे के लिए हमें चाहिए है एक अदद चिकन, साबित हमने ले लिया हुआ है, और इसमें ये मैंने अच्छी तरह से धोकर कट लगा ली है। और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट तकरीबन मैंने नमक और सिरके के पानी में इसको डिप कर दिया था ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। अच्छा, उसके साथ मैंने ये सिरका वो लीमू का रस ले लिया है, तकरीबन ये 6 लीमुओं का रस मैंने लिया है, और नमक हसबे जायका जितना आप चाहें रख लें, और ये मैंने कुटी मिर्च ली है लाल, जो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डालनी है, और ये मिर्च पाउडर है, और साबित जीरा जिसको मैंने भून कर इसे ग्राइंड कर लिया है, और साबित धनिया जिसको हमने भून कर इसको भी ग्राइंड कर लिया है। टिक्का मसाला जो लिया है हमने ये 1 टेबल टीस्पून है, और थोड़ा सा हमने फूड कलर लिया है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। चलें तो मैं मैरिनेशन के लिए सबसे पहले लीमू का रस एक बाउल में डालूंगी। मैं डायरेक्ट चिकन के ऊपर नहीं डाल रही हूँ, मैं एक बाउल में ये सब कुछ डालकर और सब ये हम इसमें टिक्का मसाला ऐड कर देंगे, फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, और जीरा जो हमने भूना था ये हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, और कुटा धनिया जो हमने भून कर कूट लिया हुआ था ये भी 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे, कुटी मिर्च जो हमने 2 टेबलस्पून का था क्योंकि ये स्पाइसी ही रखना है, क्योंकि इसने अभी फ्राई भी होना है और फिर उसके बाद इसने स्टीम जब इसने होना है तो इसकी मिर्चें खुद ही कम हो जाएंगी, और ये 1 टेबलस्पून ये हम ले लेंगे। चलें, और नमक हम ले लेते हैं हसबे ज़रूरत, बल्कि मैं इसमें ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि इसके नमक ने भी अभी जब हमने इसको फ्राई करना है तो निकल जाना है, तो अब हम इसको मसाले को मिक्स कर लेंगे सबको। ये हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया सारा मसाला। अब मैंने इसको चिकन के ऊपर लगा देना है। चलें तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, चिकन के ऊपर अच्छी तरह से इसको, ताकि ये अंदर बाहर सब में मिक्स हो, सारा मसाला इसके ऊपर लगाकर ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको हाथों के साथ करूंगी क्योंकि इस तरह इसके कट्स के अंदर मसाला नहीं जाएगा, और ग्लव्स में इसलिए नहीं पहनती हूँ कि ग्लव्स के साथ सही काम नहीं होता है। जब तक आपके हाथ अच्छी तरह से धुले होने चाहिए, हैंड अच्छी तरह से वॉश करें आप, और उसके बाद जो काम ऐसे होता है ना वो ग्लव्स के साथ नहीं होता। तो ये देखें, ये मैं ऐसे अच्छी तरह अंदर बाहर आगे पीछे इसको मसाला लगा दूंगी, ये ऐसे इसके कट्स के अंदर अच्छी तरह से मसाला भर दें आप, ये ऐसे, ये देखें ना तो ये ब्रश की मदद से लग सकता है ऐसे, ना ही ग्लव्स के साथ लग सकता है ऐसे, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से कम आप इसको 10 मिनट अच्छी तरह से मसाले को इसके अंदर मिक्स करें, ऐसे ये सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से अंदर से भी लगाएंगे, और ये ऑयल भी मैंने रखा हुआ है, पहले ये अच्छी तरह मैं मसाला लगा लूँ इसको, उसके बाद इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद इसको तकरीबन हम, अगर आपने दोपहर में खाना है तो आप सुबह में इसको मसाला लगाकर फ्रिज में रख लें 3 से 4 घंटे के लिए, या 1 घंटा भी बहुत है। तो चलिए नाज़रीन देखें, ये हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, इसको कम से कम 1.5 घंटा हो गया है। अब हम इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे, और साथ ही मैंने चावलों की तैयारी कर ली थी। चावलों के लिए मैंने प्याज काट लिए हैं 2 अदद, और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, नमक और हरी मिर्चें ले ली हैं, और इस मसाला चावलों में क्या डलेगा ये देखिए, हमारे चिकन ने जो पानी छोड़ा है ना यही हम उसमें चावलों के अंदर डालेंगे,
जिससे आप देखिएगा कि आपका टेस्ट चावलों का बहुत ही मजेदार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑयल जरा गर्म हो चुका है, अब मैं ये चिकन इसके अंदर रख दूंगी। और आपने बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल गर्म नहीं करना। ये देखिए तकरीबन इतना ऑयल होना चाहिए कि हमारा चिकन इसके अंदर डूब जाए थोड़ा सा। अब ये जरा फ्राई हो जाए, फिर इसको हम स्टीम के अंदर रखेंगे। चलिए तो देखिए ये तकरीबन 5 मिनट हो गए, अब मैं इसको पलट दूंगी इस साइड से। ये इस साइड से अब हम पलट देंगे इसको। पलट दिया मैंने और अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, फिर इसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। चलिए देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए, अब हम इसको मैंने एक पतीली के अंदर पानी लेकर उसे स्टैंड रखकर उसको थोड़ा सा बॉइल कर लिया, इसको मैं उसके अंदर रखूंगी डालकर। ये देखिए इसमें रख रही हूँ ऐसे, और इसके ऊपर मैं दोबारा से ब्रश की मदद से मसाला लगा दूंगी ताकि जो हमारा ऑयल के अंदर मसाला जल गया है इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। इसके ऊपर कुछ लीमू रख देंगे, ऐसे और अब इसको मैं कवर कर दूंगी। ये मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए और हल्की आंच पर आप इसको स्टीम में पकने दें। तो देखें एक पतीली मैंने वही ऑयल यूज किया है जिसके अंदर हमने अभी चना फ्राई किया था, मैंने वही ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी। तो हम फ्राई कर देंगे। तो ये मैं इसे थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया और प्याज हमारा फ्राई हो गए। ये अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूंगी मिर्ची शामिल कर दी। देखें ये जो हमारा चिकन का मसाला बच गया था, यानी कि जो चिकन ने पानी छोड़ा था, ये मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखें मसाला भुन गया था और मैंने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, अब ये जरा थोड़ा सा पक जाए पानी तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। तो देखिए ये हमारे पानी पक गया था, मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल मैंने कम से कम 2 घंटे मेरे चावल भीगे हैं। तो ये देखें हमारा चिकन माशाल्लाह से रेडी हो गया है और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं, इनको भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारा मजेदार लाहौरी चिरगा तैयार है और मसालादार चावल। ऐसा चिरगा आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप एक बार बनाएं, ट्राई करें। 5 स्टार से भी बेहतरीन खाना घर में सफाई सुथराई का। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।